पेरिस पैरालंपिक्स 2024 से बड़ी खबर सामने आ रही है। नितेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में रच दिया है इतिहास। भारत को बैडमिंटन में दिलाया गोल्ड मेडल। जी हां, नितेश कुमार ने सिंगल SL3 फाइनल में इंग्लैंड के डेनियल बैथल को हराकर भारत को दिलाया गोल्ड मेडल। नितेश कुमार ने पहला सेट 21-14 से अपने नाम किया। काफ़ी शानदार ये मुकाबला चला और दूसरे सेट में बैथल ने 21-18 से नितेश कुमार को वहां पे मात दी। लेकिन तीसरे सेट में, यानी कि तीसरा और जो फाइनल सेट था जहां पर नितेश ने डोमिनेट किया, नितेश की डोमिनेशन वहां पे नज़र आई और 23-21 से ये फाइनल सेट अपने नाम कर मुकाबला जीता। भारत के लिए पेरिस पैरालंपिक में भारत को मिला दूसरा गोल्ड मेडल। इससे पहले अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता था गोल्ड मेडल। अब भारत के कुल मिलाकर पेरिस पैरालंपिक में हो चुके हैं 2 गोल्ड मेडल। वैसे भारत के टोटल जो मेडल हैं वो 9 हो चुके हैं, 2 जिसमें से कि गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यानी कि कुल 9 मेडल भारत ने अभी तक पेरिस पैरालंपिक में जीते हैं और नितेश का शानदार प्रदर्शन रहा। इससे पहले अवनी लखेरा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था, लेकिन अभी भी गोल्ड मेडल की एक उम्मीद और भी बाकी है। सुमित अंतिल जो कि जैवलिन थ्रोअर हैं भारत की तरफ से, जो कि गोल्ड मेडल मैच के लिए उनका मुकाबला होगा। लेकिन अभी पेरिस पैरालंपिक से बड़ी खबर नितेश के लिए है। नितेश ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है बैडमिंटन में। इंग्लैंड के डेनियल बैथल को हराकर भारत को पेरिस पैरालंपिक में दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया नितेश ने। अवनी लखेरा ने पहला और नितेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक में दूसरा गोल्ड भारत को दिलाया।